हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका वेलकम करता हूँ, जिसका नाम है टेक सीईजी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, चलो हम आपको आज बताते हैं कि पीएफ का क्लेम कैसे किया जाता है। अगर आप जॉब पीरियड में हैं, अगर आप जॉब छोड़े भी नहीं हैं, तब भी हम क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने के दो तरीके हैं। पहला तो हम अगर ये पीएफओ के साइट पे जाएंगे तब भी हो सकता है, और सिंपल तरीका एक है उमंग ऐप। उमंग ऐप में जाके भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका यूएन एक्टिवेट हो और आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो। तो मेरा तो सब कुछ है, चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे क्लेम किया जाए। पहले तो हम प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ से उमंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जो कि मेरे में पहले से डाउनलोड है। देखिए, हमको केवल ओपन करना है। ओपन कर लिया हमने। ओपन करने के बाद ये बोल रहा है मैं मोबाइल नंबर एम पिन, उसके बाद लॉगिन कर देंगे। मोबाइल नंबर मेरा है 1, 2, 3। देखिए, मेरा आईडी लॉगिन हो गया, क्योंकि हमने अपना मोबाइल नंबर से एम पिन बनाया हुआ था। तो कुछ इस तरह का टेम्पलेट खुल के आएगा। तो इसमें हमको करना क्या होता है, ई पी एफ ओ पे ओके कर दिए। ई पी एफ ओ पे ओके करने बाद एम्प्लाई सेंट्रिक सर्विस पे जाएंगे, उसके बाद रेज क्लेम इस पे ओके करेंगे। तो देखिए, अब मांग रहा है यूएएन नंबर, तो हम अपना यूएएन नंबर इंटर करेंगे, उसके बाद लॉग इन। अब इस पर एक ओटीपी आएगा, वेट करते हैं। देखिए आ गया, अभी इस ओटीपी को इसमें इंटर कर लेंगे। ओके, ठीक है, ये देख मेरा पूरा डिटेल खुल के आ गया। ठीक, अब हमें करना क्या है, लास्ट 4 डिजिट अकाउंट नंबर डालना है। डाल दिया हमने, ठीक है। इसके बाद मेंबर आईडी मेरी जो है उसको डाल दी। देखिए, अभी हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग चल रहा हुआ है, डेट ऑफ इंड नहीं शो कर रहा है। प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे ओके करेंगे। इसके बाद हम पूरा अपना एड्रेस भर लेंगे, जैसे लोकेलिटी जो भी हो, मेरी जो है हम फिल कर लेते हैं, आपका जो होगा आप फिल कर लीजिएगा। स्टेट यहाँ पे फिल करना है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, सिटी, इसके बाद अपना पिन। इतना करने के बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे। उसके बाद देखिए, फॉर्म 31 पीएफ पार्ट विद्रॉल फॉर्म द मेंबर इंटरफेस डायरेक्टली। फॉर्म 31 खुलना है, क्योंकि हम अभी ड्यूटी पीरियड में हैं, अभी जॉब पीरियड में हैं, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक फॉर्म 31 ही खुलेगा। उस पर ओके किया। अब देखिए, पर्पज फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड, किस पर्पज के लिए आप एडवांस लेना चाहते हैं वो इसमें दे दीजिए। इलनेस, नेचर ऑफ क्लाइमेट्स, पावर कट, कुछ भी यहाँ पे दीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, हायर एजुकेशन, टोटल सर्विस लेस दैन 84 मंथ, 90% विड्रॉ बिफोर रिटायरमेंट, एज इज 26 ईयर्स ओनली, नॉट एलिजिबल। ठीक है, 90% विड्रॉ आप कम से कम 26 साल की उम्र में ही कर सकते हैं। चलिए, हम इनमें प्रॉब्लम शो करते हैं और कुछ अमाउंट फिल करते हैं। जैसे मान लो कि देखिए, मिनिमम अमाउंट हम 1,000 ही निकाल सकते हैं, उससे कम नहीं, तो वाले हम 3,000 फिल कर देते हैं। इसके बाद आई सर्टिफाई दैट, ये सब लिखा हुआ है कि ये मैंने जो फिल किया ये सब
सत्य और विश्वसनीय है, ये मेरा ही भरा हुआ है। इसके बाद हम गेट आधार ओटीपी भी जाएंगे। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ये मेन है, ये ज़रूरी है। अगर आपका आधार लिंक नहीं होगा तो ओटीपी नहीं जाएगा। चलिए देखिए, 1499 14 9 5। ओके, क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, योर ट्रैकिंग आईडी, ये मतलब मेरा क्लेम सक्सेसफुली सबमिट।